हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी इन द केयर एंड ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ताला। एज यू नो, दिस इज लेक्चर सीरीज ऑफ सोशल स्टडीज ऑफ ग्रेड 5। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर, मस्ट थंब अप and share it with your friends. Okay, so let's see what are today's question. Today's questions are: question number 11 will be, and list any 5 our major responsibilities. Yani ke apni 5 badi badi zimmedariyon ki fehrist banaye. Question number 12 will be, what is meant by civic responsibilities? यानी कि शहरी जिम्मेदारियों से क्या मुराद है? सिविक से मुराद शहरी, यानी जिनका तल्लक शहर से हो। क्वेश्चन नंबर 13 विल बी, एंड लिस्ट एनी 5 सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि कोई सी 5 शहरी जिम्मेदारियों की फहरिस्त बना। क्वेश्चन नंबर 14 विल बी, स्टेट द रीजंस काज टू चेंज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि वो कौन सी वजूहात हैं जो जिम्मेदारियों को तब्दील करने का सबब बनती हैं। एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 विल बी, व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ गुड सिटीजन। यानी कि एक अच्छे शहरी की क्या खसूसियात होती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज, एंड लिस्ट एनी 5 आवर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कोई सी 5 बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों की फहरिस्त बना। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद है हमारी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी। हमारी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां क्या हैं? जिम्मेदारियों से मुराद ऐसे फराइज हैं जो हमें कानूनी, मुआशरती, मजहबी या इखलाकी तौर पर सौंप दिए गए कि हम अपनी पूरी ईमानदारी से इन फराइज को सर अंजाम दें। हम जहां भी हैं, घर में हैं, स्कूल में हैं या किसी और जगह, हमें पता होना चाहिए कि हमें वहां कैसे रहना है और किस तरह दूसरे लोगों से पेश आना है। अगर हम में से हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखे तो हम एक पुरअमन और पुरसकून जिंदगी बसर कर सकते हैं। So our answer should be, number 1, to follow, پیروی کرنا یا عمل درآمد کرنا rules, قوانین کی, at home, گھر میں, school میں, and in the community, اور اس جگہ جہاں ہم رہتے ہیں. Number 2, to look after, خیال رکھنا of our belongings, ان چیزوں کا جو ہماری اپنی ہیں, and اور रिस्पेक्ट, एहतराम करना द बिलोंगिंग्स ऑफ अदर्स, उन चीजों का जो दूसरों की। नंबर 3, टू रिस्पेक्ट, एहतराम करना या ख्याल रखना द राइट्स, हकूक का, बिलीफ्स, अकायद का, एंड ओपिनियन और राय का ऑफ अदर्स, दूसरों की। नंबर 4, टू केयर, ख्याल रखना अबाउट अदर्स, दूसरों का, एज जैसे कि वी केयर, हम ख्याल रखते हैं अबाउट द आवर सेल्विस, अपने आप का। एंड लास्ट नंबर 5 इज, टू पे टैक्स, टैक्स अदा करना ऑनेस्टली, ईमानदारी से। क्वेश्चन नंबर 12 इज, व्हाट इज मीट बाय सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सिटीजन, यानी कि एक शहरी की जिम्मेदारी। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद ये कि किसी शहरी का अपनी कम्युनिटी की पब्लिक लाइफ में एक बाखबर, पुरअज़म और तमीरी अंदाज में सरगर्म करदार अदा करना, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी की मुश्तरका भलाई हो। हम जिस लोकेलिटी में रह रहे होते हैं वहाँ रहने के लिए जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, इन्हीं को सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहा जाता है। ये जिम्मेदारियाँ हमारी रोजमर्रा जिंदगी के मुतल्लक होती हैं, ताकि एक शहर में रहने वाले
तमाम लोगों की जिंदगियां पुर अमन और पुरसकून हो। सो वी कैन से दैट द ड्यूटीज यानी कि वो फराइज दैट क्रिएट जो पैदा करती हैं हारमोनी हम आहंगी एंड पीस और अमन इन आवर डेली लाइफ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एंड हेल्प अस और हमारी मदद करती हैं टू प्रोग्रेस तरक्की करने में आर कॉल सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें शहरी जिम्मेदारियां कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 इज एंड लिस्ट एनी 5 सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई सी 5 शहरी जिम्मेदारियों की फहरिस्त बनाए। जैसा कि हम जानते हैं कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद ये है कि किसी शहरी का अपनी कम्युनिटी की पब्लिक लाइफ में एक बाखबर पुरअज़म और तामीरी अंदाज में सरगर्म करदार अदा करना जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी की मुश्तरका भलाई हो। चनाचे एक कम्युनिटी में रहते हुए हमारी 5 बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां ये हैं। नंबर 1 रिस्पेक्टिंग एहतराम किया जाए एंड ओबेइंग और पाबंदी की जाए द लास्ट कवानीन की। नंबर 2 बी लॉयल मुखलस हुआ जाए एंड प्राउड और फख्र किया जाए ऑफ आवर कंट्री अपने मुल्क पर। नंबर 3 बिकमिंग अ वेल मैनर इंतहाई मुनज्जब होना एंड टॉलरेंट और बुर्दबार होना। नंबर 4 रिस्पेक्टिंग एहतराम किया जाए इंडिविजुअल डिफरेंसेस इनफरादी इख्तलाफात का ऑफ थॉट राय के एंड लाइफ और जिंदगी के। प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट माहौल की हिफाजत की जाए फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हर किस्म की आलूदगी से। क्वेश्चन नंबर 14 इज स्टेट द रीजंस काज टू चेंज रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन वजूहात को बयान करें जो जिम्मेदारियों को तब्दील करने का सबब बनती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे राइट्स हैं वो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और जो दूसरों के राइट्स हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इस तरह राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज साथ साथ ही मौजूद होते हैं लेकिन कुछ वजूहात की बना पर ये जिम्मेदारियां तब्दील भी होती रहती हैं। जैसा कि इकोनॉमिक चेंज इससे मुराद ये है कि वो तब्दीलियां जो हमारे मुआशी निज़ाम में आती हैं जैसा कि अगर एक शख्स की मुआशी हालत बेहतर हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने से गरीब और ज़रूरतमंद लोगों का ख्याल रखे और उनकी मदद करे। इसी तरह से पॉलिटिकल चेंजेस जिससे मुराद है सियासी निज़ाम में तब्दीलियां यानी कि जब किसी शख्स को किसी अवामी ओहदा पर फाइज कर दिया जाए तो अवामी फलाह व बहबूद के लिए अपने फराइज को सर अंजाम दे। और आखिर में है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जिससे मुराद है टेक्नोलॉजी की वजह से पैदा होने वाली तब्दीलियां। तो इन तीनों वजूहात की बना पर हमारी जिम्मेदारियां तब्दील होती रहती है। सो आंसर विल बी एज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हकूक और जिम्मेदारियां एग्जिस्ट टूगेदर साथ साथ मौजूद होती हैं बट दे मे चेंज लेकिन वो तब्दील हो सकती हैं अवर टाइम वक्त के साथ साथ ड्यू टू इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मुआशी सियासी और टेक्नोलॉजी की तब्दीलियों की वजह से। एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन एक अच्छे शहरी की खूबियां बयान करें। गुड सिटीजन से मुराद है अच्छा शहरी। आपको पता है कि अच्छा शहरी किसको कहते हैं? अच्छा शहरी वो है जो अपने मुल्क और अपने मुआशरे अपनी कौम और अपने हम वतनों की बेहतरी के लिए मौसर और सरगर्म करदार अदा करे। एक गुड सिटीजन अपने करदार और रवैया से ये साबित करता है कि वो अपने मुल्क और मुआशरा का खैर हुआ है। आप जानते हैं तालीम का बुनियादी मकसद क्या है? तालीम का बुनियादी मकसद एक अच्छा शहरी बनना है। चनाचे हमें तालीम हासिल करते हुए वो तमाम तौर तरीके भी सीखने होते हैं जो अच्छा शहरी बनने के लिए जरूरी है। सो वी कैन से दैट नंबर 1 अ गुड सिटीजन इज लॉयल टू हिज कंट्री
एक अच्छा शहरी अपने मुल्क से मुखलिस होता है। नंबर टू, अ गुड सिटीजन रिस्पेक्ट्स एंड ओबे द कंट्रीज लॉ। एक अच्छा शहरी अपने मुल्क के कवानीन का एहतराम करता है और उन पर अमल दरामद करता है। नंबर थ्री, अ गुड सिटीजन केयर्स अबाउट अदर्स। एक अच्छा शहरी दूसरों का वैसा ही ख्याल रखता है एज ही केयर्स हिमसेल्फ, जैसे वो अपना ख्याल रखता है। नंबर फोर, अ गुड सिटीजन रिस्पेक्ट द राइट्स बिलीव्स एंड ओपिनियंस ऑफ अदर्स। एक अच्छा शहरी दूसरों के हकूक, दूसरों के अकायद और दूसरों की राय का एहतराम करता है। एंड लास्ट नंबर फाइव इज अ गुड सिटीजन प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट्स। एक अच्छा शहरी माहौल की हिफाजत करता है फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, हर किस्म की आलूदगी से।